उप संभागीय परिवहन कार्यालय सीतापुर में मंगलवार को एआरटीओ प्रशासन के पद पर माला वाजपेयी ने कार्यभार संभाल लिया है। माला वाजपेयी का तबादला सुल्तानपुर जनपद से सीतापुर किया गया है। 2011 बैच की पीसीएस अधिकारी माला वाजपेयी इससे पहले उन्नाव, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर में तैनात रह चुकी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा कार्यालय का निरीक्षण कर मातहतों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। आई इंडिया से बातचीत करते हुए नवागत एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि सभी आगंतुकों का कार्य समय से पूर्ण किया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उनसे सीधे संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे ताकि उनका कार्य सुगमता से हो सके। रोड सेफ्टी पर खास फोकस देते हुए जनपद में सड़क हादसों को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए हर संभव प्रयास करने, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात नवागत एआरटीओ प्रशासन ने कही। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सीतापुर में आपकी? सीतापुर में मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि आम यहाँ पे जो आम जनता आते हैं, जो आवेदक आते हैं अपना काम कराने के लिए, उनका सुविधाजनक ढंग से काम हो। बीच में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बाहरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही महिला जो आवेदक हैं उनके लिए एक अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिलाओं को विशेष रूप से उनको सुविधा दी जा सके और उनका काम आसानी से हो सके। साथ ही हम वरिष्ठ जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए भी एक अलग काउंटर की व्यवस्था कर देंगे ताकि अगर वो अपने किसी भी कार्यवश आते हैं तो आसानी से उनका कार्य संपन्न हो सके। नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया।